नगरीय निकाय चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी गतिविधियों को तेज किया जा रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जनता के बीच अपनी पकड़ बनाती हुई दिखाई भी दे रही हैं। रविवार को कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद अपने साथियों के साथ पागबड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पागबड़ा के वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ चुनाव पर चर्चा की और कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में कांग्रेस का ही एक विकल्प है जो भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ सकता है। अगर जनता कांग्रेस का साथ देती है तो कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश की जनता के लिए बढ़ चढ़ कर काम करेगी। आज देश और प्रदेश की हालत किसी से छुपी नहीं है, हर तरफ बेरोजगारी महंगाई जैसी समस्याएं सर चढ़ कर बोल रही हैं। पागबड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए इस दौरान चर्चा की गई और कहा गया कि अगर पागबड़ा की जनता चाहती है कि पागबड़ा में विकास हो तो फिर एक विकल्प बचता है और वह विकल्प है कांग्रेस पार्टी, जो विकास कराने में सक्षम है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की प्रतीक कांग्रेस प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सिटी चैनल संवाददाता ने जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद से इस बिंदु को लेकर बात की तो उनके द्वारा कहा गया, पांच विधानसभा की नगर पंचायत है पागबड़ा, मैं यहाँ आया हूँ और हमारे बहुत सीनियर नेता हमारे साथी पुराने डॉक्टर अयूब साहब के निवास स्थान पर आज मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। संगठन को मजबूती को बल दिया जाए और जो नगर पंचायत यहाँ हमें अभी चुनाव लड़ाना है ग्राम पंचायत नगर पंचायत का नगर पालिका परिषद का, उसके लिए मैं खास तौर से विचार विमर्श किए हैं। मेरे सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों से सबसे बैठ के मैंने बात करी है और ख़ास तौर से संगठन विस्तार और इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ से मेरा अगला प्रोग्राम है कांट का, डॉक्टर सिराज साहब के यहाँ जाने का है, वो हमारे सीनियर नेता हैं। उसके बाद उमरी जाऊँगा, हाफिज़ साबिर साहब हैं वहाँ हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, उनके यहाँ भी जाऊँगा। तो आज सीनियर्स से मिलने का है और जल्दी इन लोगों को मैं एक जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूँ कि यहाँ नगर पंचायत के लिए जिसको भी ये अधिकृत करेंगे कि यहाँ वो चुनाव जीत सकता है, हमें जितना कैंडिडेट चाहिए वो हम यहाँ लड़ाएंगे। क्या कहना चाहते हैं पागबड़ा की आवाम से अपने इस मिशन को? पागबड़ा की आवाम से कहते हैं कि कब तक धोखे खाएंगे। वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि आजमाए को क्या आजमाए, खुदा उसे भी शर्माए। आजमाते आजमाते आप थक चुके हैं, आपने MP जिता लिया, आपने MLA जिता लिया और ऐसे ऐसे MLA जिता लिए जिन्होंने अपनी गरिमा खो दी, उनकी कोई गरिमा नहीं रही है। एक मामूली सा CEO क्षेत्र अधिकारी उनको बदतमीजी बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है और एक विधायक खामोशी से उसको सुन रहा है, बड़ी अजीब गरीब बात, बड़ा मतलब राजनीतिक कहते हुए भी शर्माने लगी है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। बिजली का क्या आलम है, बताया मुझे पागबड़े के लोगों ने कि यहाँ बिजली नहीं आती, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली नहीं आती, अब कोई उठाने वाला नहीं है। अरे मैं इस आप लोगों से मांग करता हूँ कि आप तैयार होइए, मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष यहाँ आऊँगा और आप लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, बिजली की हो, पानी की हो, कोई भी लड़ाई हो, सड़कों की हो, मैं लड़ाई लड़ूंगा यहाँ, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है यहाँ से, लेकिन ये कि मैं आऊँगा संगठन के साथ यहाँ आप लोगों के साथ खड़ा। सफाई सारी व्यवस्था है, तमाम कहीं कोई तमाम मैं देख रहा हूँ नालियाँ भरी पड़ी हैं। ये अभी पिछला कौन सा बाजार था जामा मस्जिद के सामने, उस बाजार में तमाम गंदगी बदबू आ रही थी, तो एक अजीब गरीब माहौल हो गया, हालात हो गए। इनको अगर नहीं देखा जाएगा हम इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, पूरे जिले में लड़ाई लड़ेंगे। इस मौके पर अफजल साबरी, दिलशाद अहमद, डॉक्टर अंसारी साहब सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।